हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएम फार्मेसी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमोसिट टेबलेट के बारे में, जैसे कि एमोसिट टेबलेट का इस्तेमाल आपको कहां पर करना चाहिए और इस टेबलेट के क्या क्या आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं और इस टेबलेट की मतलब डोज के बारे में सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कुछ भी मिस ना करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो जो हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमोसिड 625 mg, ये एमोसिड जो है एक दवा आती है जो आपको मार्केट में आसानी से कहीं भी उपलब्ध मिल जाएगी, मेडिसिन फॉर्म में आता है ये एमोसिड। जानते हैं इसके बारे में, एमोसिड के बारे में जानते हैं। एमोसिड है क्या? एमोसिड मेडिसिन इज टू कॉम्बिनेशन मेडिसिन, एमोक्सिक्लिन 500 mg, क्लेवुलिनिक एसिड 125 mg। एमोक्सिक्लिन जो दवा है आपकी, एक दो कॉम्बिनेशन दवाओं से मिलकर बनी है, मतलब एमोक्सिक्लिन ये जो है आपकी एमोसिड दवा जो है टेबलेट, वो दो दवाओं से मिलकर बनी है। पहला जिसमें आपका आता है एमोक्सिक्लिन और दूसरा आता है आपका क्लेवोनेट एसिड कह दें आप या पोटेशियम कह दें। इसमें जो होता है आपका एमोक्सिक्लिन 500 mg में होता है और क्लेवोनेट एसिड होता है आपका 125 mg में। इट इज एंटीबायोटिक मेडिसिन और ये जो एक एंटीबायोटिक दवा है। इट यूज बोथ ग्राम बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। ये जो है आपकी एमोसिड टेबलेट जो दो दवाओं से मिलकर बनी है, पहला एमोक्सिक्लिन और क्लेवोनिक एसिड से, और ये एक एंटीबायोटिक दवा है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियाज पर काम करती है, मतलब दोनों बैक्टीरियाज को खत्म कर काम करती है। इट किल्ड बैक्टीरिया, इट इज पेनिसिलिन एंटीबायोटिक क्लास ड्रग। और ये जो ड्रग है हमारी, ये जो दवा है हमारी ये जो आपकी एमोसिड जो दवा है, ये पेनिसिलिन क्लास से ली गई एक एंटीबायोटिक दवा है जो दो कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है, पहला आपका एमोक्सिक्लिन और क्लेवोनिक एसिड। अब जानते हैं इसके यूज के बारे में, मतलब इसका आपको यूज कहां पर करना चाहिए। एमोसिड टेबलेट का यूज UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें UTI में आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है लेडीजों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जेंट्सों में भी मिल जाता है, लेकिन जेंट्सों में मिलता है वो पथरी के कारण, और लेडीजों में जो मिल जाता है ये आपको पानी कम पीने के कारण से आपको UTI की दिक्कत देखने को मिल सकती है, जैसे कि टॉयलेट में जलन होना और टॉयलेट में बदबू आ जाना, ये सब सिम्टम्स आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में देखने को मिल सकते हैं, उसमें आप इसका अच्छा यूज कर सकते हैं। टॉन्सिल्स में आप इसका अच्छा यूज कर सकते हैं। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फिर वो चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, उसमें आप इसका अच्छा यूज कर सकते हैं। ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन में किसी भी तरह का ब्लड इन्फेक्शन हो, जैसे कि TLC बढ़ जाना या कम हो जाना या फिर प्लेटलेट्स का बढ़ जाना, उसका कम हो जाना, उसमें भी आप इसका अच्छा यूज कर सकते हैं एमोसिड टेबलेट का। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है जो हमारी सांस की नली होती है उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाना, उसमें भी आप इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। लंग्स इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन का मतलब होता है नाक में, कान में और आंखों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाना, उसे बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन, उसमें भी आप इसका अच्छा यूज कर सकते हैं एमोसिड टेबलेट का। अब जानते हैं एमोसिड टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में, मतलब इस टेबलेट के आपको क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि स्टमक पेन, पेट में दर्द हो जाना, वॉमिटिंग, उल्टी हो जाना, स्किन रश, मतलब स्किन पर लाल लाल सी लाल हो जाना, स्किन रश हो जाना, और हिप्स माने पित्ती उछल जाना, जैसे कि आपने देखा होगा शरीर पर ऐसे होते हैं ददोड़े से पड़ जाते हैं, उसे बोलते हैं हिप्स, उसमें भी इसका अच्छा यूज होता है, मतलब इसका सॉरी साइड इफेक्ट में देखा गया है ये हिप्स हो जाना, लूज मोशन, आपको इसमें लूज मोशन की भी शिकायत देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं मैन इसकी डोज के बारे में, मतलब आप एमोसिड की डोज कितनी ले सकते हैं, एमोसिड की कह लें आप या फिर एमोक्सिक्लिन और पोटेशियम की, आप डोज कितनी ले सकते हैं पर डे, मतलब इसकी डोज है आपकी 40 से 45 mg पर kg 12 घंटे के अंदर अंदर, या आपको 12 घंटे के अंदर अंदर 40 से 45 mg देनी है पर kg, मतलब 1 किलो के बच्चे को आप 40 से 45 mg तक दे सकते हैं 12-12 घंटे के अंतर्गत से। जैसे कि आप एडल्ट हैं तो एडल्ट में आप इसकी पूरी 500 mg दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। जैसे कि 18 साल का बच्चा होता है उसमें मैक्सिमम कम से कम 40 से 45 किलो वजन होता है, अब 40 वेट हो गया हमारा और 40 से 45 हमारी इसकी डोज है ही, तो 40 × 40 करेंगे तो 1600 mg हो गई इसकी पर डे की। तो आप इसे मतलब दिन में 3 बार भी दे सकते हैं, 500 mg की टेबलेट आप TDS दिन में 3 बार भी दे सकते हैं, मतलब
जरूरत पड़ने पर। वैसे जो इसकी मैक्सिमम डोज रहती है वो एडल्ट में वही रहती है आपकी 6.5, मतलब 625 mg की टेबलेट की डोज रहती है। दिन में 2 बार ओडी, मतलब सॉरी बीडी, दिन में 2 बार आप इसे दे सकते हैं। और इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें इस दवा को। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें।